ये जो लंदन का एरिया है ना पूरा भाई, कितना महंगा है यहाँ पे रहने वालों के लिए। ठीक है, उस हिसाब से एक दिन का। और 1983 की वो फेमस गैलरी भी देखी जहाँ पे कपिल वाजी ने जो है वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई थी। एंड एक भाई एशेज 2023 की ऑफिशियल कैप ली है, तो ये देखो भाई मस्त लग रही है ना। बाकी नान है, तंदूरी रोटी है, वही 250-300 रुपए के आसपास की एक रोटी मिल जाएगी। 190 रुपए के 6 अंडे है भैया। इसके अलावा बैंगन मिल जाएंगे भाई, एक पीस है 90 रुपए का, बताओ किलो तो सोचो कितने का ही होगा। कुकुम्बर यानी खीरा भी मिल रहा है भाई 80 रुपए का एक पीस। हुए महंगाई, 1700 रुपए का किलो धनिया। इंडिया में लोग फ्री में उठा लेते हैं धनिया रेडी में से, बताओ यहाँ 1700 रुपए का किलो। भाई साहब ये तो 50 पाउंड मांग रहे थे, यानी 5000 रुपए, वो भी खाली कटिंग के। और अगर बीएड भी करवाता हूँ तो 20 पाउंड एक्स्ट्रा, यानी 7000 रुपए में मेरी कटिंग और बीएड होती। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक मिनट यार, जरा सारा सामान पहले निकाल लूँ, बहुत सारे सूटकेस हो गए देखना। एयरपोर्ट तक ले जाऊँगा कैसे, वही सोच सोच के टेंशन हो रही है मुझे तो। इतना सामान हो गया इंडिया से, जो कपड़े लाए था वो तो मैंने सारे भाई यहाँ पे ना गुरुद्वारा है उनको दे दिए, तो वो मतलब होमलेस लोगों में बांट देंगे जिनको भी ज़रूरत होगी। चलिए यहाँ से इतनी शॉपिंग कर ली है भाई कि इतना सामान इकट्ठा हो रखा, बताओ। पर अभी तो शॉपिंग बची है थोड़ी सी, पूरी नहीं हुई। ये एक सूटकेस मैंने दीदी से ले लिया, अपने वाला दे दिया उनको, क्योंकि मेरा थोड़ा सा छोटा था, ये थोड़ा बड़ा है तो ज़्यादा मान आ गया। ये मैंने खरीदा था यूरोप से, ये भी मैंने दीदी से ले लिया कैबिन में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाने के लिए। और ये मेरा था ही एक बैग भाई मीडियम वाले साइज का। तो टोटल देखो 4 सूटकेसेस हो गए हैं, एक मेरे पास ये बैग हो गया है, तो बहुत सामान है भाई, हालत खस्ता होने वाली है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज 4 सितंबर 2023, मैं हूँ अभी भाई इंग्लैंड के खूबसूरत शहर और मोस्ट पॉपुलर शहर लंदन में। एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, स्पॉन्सर्ड बाय वाउ स्किन साइंस। इस ट्रिप पे हम निकले हुए थे भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हमने भाई 29 से 30 कंट्रीज ट्रैवल किया। एंड टोटल 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी इंडिया पहुंचते। गाड़ी जो अपनी शिप हो चुकी है, आपने लास्ट एक दो व्लॉग में देखा होगा, और भी मैंने लंदन आपको घुमाया है। बट आज मैं जा रहा हूं दीदी के घर से सेंट्रल लंदन में, एक होटल है वहां पर, क्योंकि ये जो एरिया ना भाई सेंट्रल लंदन से लगभग 1-1.5 घंटा दूर है, और रोज यहां से वहां जाने में ना मतलब आधी एनर्जी खत्म हो जाती थी, तो घूमने का टाइम ही नहीं मिलता था ना। तो मैंने सोचा लास्ट के 2-3 दिन जो है ना वो थोड़ा होटल में रह लिया जाए, ताकि जो आसपास की वहां पे लोकेशंस है ना वो सब मैं आराम से घूम सकूं। तो इसलिए भाई मैंने ऊबर से कैब बुला लिया यहाँ पे एक्सल साइज, ये देखो इसमें सारा लगेज वगैरह आ जाएगा। तो ये सारा सूटकेस ना जल्दी जल्दी से लोड करते हैं गाड़ी में। चलो बड़ी वाली गाड़ी है भाई, ये सारा का सारा सामान आ गया इसमें, तो देखना कितनी बड़ी डिक्की है भाई साहब। अभी तो और 2-4 सूट केसेस आ सकते हैं इसमें आराम से, और 4 बंदे भी बैठ सकते हैं, तो बढ़िया गाड़ी है। बाकी यार आज का ये जो व्लॉग होने वाला है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लंदन का एरिया है ना पूरा भाई, कितना महंगा है यहाँ पे रहने वालों के लिए, जो इंडियंस यहाँ पे आ रहे हैं स्टूडेंट की तरह, या फिर इंडिया से कुछ लोग टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए। अरे 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 टैक्सी वाले भैया हमें छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, चलो जी चलो। और ये ऑटोमेटिक डोर है देखो, खुद हो जाएगा क्लोज। हो जी जादू देख रहे हो, छूमंतर हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, आप बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हो तो अभी के अभी हनीगेन को यूज करना शुरू करो। हनीगेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके डिवाइस के बैकग्राउंड में रन होता है, उसके बदले आपको पैसे बना के देता है। मतलब इतने भी पैसे नहीं कमा देगा कि हमारी तरह स्कॉर्पियन लेके दिल्ली से लंदन अपना खर्चा कर लो, बट हाँ इतने कमा लोगे कि अपना मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन प्राइम की सब्सक्रिप्शन खरीद सको। एक्चुअल में ना हनीगेन आपके इंटरनेट कनेक्शन को यूज करता है, उसके बदले आपको पैसे देता है। अब आप सोचोगे भाई इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहा है तो कहीं हमारा प्राइवेट डेटा तो नहीं लीक हो जाएगा, बट भाई डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ये ऐप बिल्कुल सेफ टू यूज है। एक्चुअल में काफी सारी चीजों के लिए हनीगेन आपके इंटरनेट कनेक्शन को यूज करता है, जैसे कि उनमें से एक है प्राइस कंपैरिजन। तो जो वेबसाइट्स एंड ऐप्स होती है ना वो भाई इंटरनेट कनेक्शन यूज करती है हनीगेन ऐप यूजर्स का टू एक्सेस ई-कॉमर्स वेबसाइट, ताकि जो भी बेस्ट प्राइसेस है ना वो अपने यूजर्स को रेकमेंड कर सके। इसके अलावा अगर आप और भी पैसा कमाना चाहते हो ना, तो इनका एक रेफर एंड अर्न का भी सिस्टम है, जिसमें आपको ना हनीगेन को अपने दोस्तों या फैमिली वालों को ऐसे रेकमेंड करना है, और अगर वो लोग आपके लिंक से जो है वो हनीगेन को डाउनलोड करके यूज करते हैं, उनकी लाइफ टाइम अर्निंग का ना 10% भाई आपको भी मिलता रहेगा रिफंड में। तो इसलिए भैया देर क्या कर रहे हो, अभी के अभी यूज करना शुरू करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एंड साथ ही साथ में मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज करना, जो कि क्या है भाई ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बैकपैकर, ये यूज करने पे ना आपको इंस्टेंट $5 का साइन अप बोनस मिल जाएगा। तो रिफंड में $5 मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए। तो जाओ लिंक जो है वो दे रखा है।
तो आपको ना मैं भाई सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, ग्रोसरीज का क्या प्राइस है, रेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था दीदी के साथ जो शूट करी घर का, मतलब कितने का मिल जाता है। इसके अलावा टैक्सी अभी जिसमें हम जा रहे हैं ये कितने पैसे लेगी, कितने किलोमीटर के, वो भी बताऊंगा एंड में। होटल्स यहाँ पे कितने का मिल जाते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में अगर खाना खाना चाहते हो तो कितने का मिलेगा, टिकट्स वगैरह कितने की है, क्योंकि आज जो लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है ना भाई, आइकॉनिक क्रिकेट ग्राउंड, वहाँ की भी मैंने बुकिंग करी है, उसकी टिकट कितनी है वो बताऊंगा। तो पूरा ना आपको लंदन का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि भैया जब अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ घूमने आ रहे हो तो कितना खर्चा लग सकता है। क्यों जी, अभी हम बात कर रहे थे भाई कि अगर ऐसी गाड़ी हो ना ट्रैवलिंग में तो क्या मज़ा आ जाए, चार बंदे इतने कंफर्टेबल बैठ सके और पीछे लगेज के लिए इतना, मतलब 200-300 दिन का भी आप लगेज ठूस सकते हो, इतनी जगह है। बट वो ये गाड़ियाँ ना देखो 4x4 वगैरह नहीं होती, तो थोड़ी सी ना ये कम्फर्ट को देखते हुए ज़्यादा बनाई जाती है, ना कि के ऑफ रोडिंग वगैरह या फिर किसी भी ट्रेन में चलाने के लिए। तो मुझे तो प्रेफरेंस थी 4x4 की कि भैया कीचड़ में फंसे, बर्फ़ में फंसे, तूफान में फंसे, पहाड़ में फंसे, कहीं भी फंसे, अपनी स्कॉर्पियो निकाल देगी 4x4 है। और दीदी के घर से जो मैंने होटल बुक किया ना वो भाई अराउंड है 16 माइल, यानी कि मोटा मोटा 30 किलोमीटर आप लगा लो। 30 किलोमीटर के मेरे हिसाब से इंडिया में जब मैं दिल्ली जाता हूँ ना अपने घर से, तो करोल बाग 30 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है। तो करोल बाग के मेरे पता कितने रुपए लगते हैं ऊबर में, अगर मैं इस साइज की गाड़ी बुक करूँ मैक्स टू मैक्स 900 रुपए या 1000 रुपए, और अगर छोटी गाड़ी करूँ तो 600 रुपए में। अब लेट्स सी यहाँ पे ऊबर एक्सेल जो है ना वो कितना पैसा ले लेगी, एक अंदाजा लगाओ आप कितने होंगे। वैसे आप तो 3 साल से यहाँ हो, कितने लग जाएंगे? 7000-6000। दीदी कह रही है 50-60 पाउंड के आसपास, यानी 6-7 हज़ार रुपये। लेट्स सी, अभी हमारे ड्राइवर भैया ने पेट्रोल पंप पे रोका और यहाँ पे सेंट्रल लंदन में आप रेट भी देख सकते हो 155, यानी कि 1.55 पाउंड हो गया ये पर लीटर। तो डीजल ये तो पेट्रोल है ना, हाँ पेट्रोल है 153 है, वो तो थोड़ा सस्ता है पेट्रोल, मतलब वही यहाँ 155-160 रुपए लीटर हो गया। और यार पता नहीं यूके का क्या ही वेदर है, इतनी ठंड हो जाती है कभी और अब अचानक से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, कड़क धूप है कड़क धूप। मैं तो सोच रहा हूँ स्टेडियम जाएंगे वहाँ क्या ही हालत होगी भाई, पर ठीक है कोई नहीं। अपार्टमेंट बस आ ही गया, लेफ्ट लेना अगला, और इतनी मस्त लोकेशन है बिल्कुल सेंट्रल लंदन में मार्केट के पास। दो व्लॉग पहले आपने देखा होगा मैं एप्पल स्टोर गए थे मैकबुक देखने के लिए, बिल्कुल वही वाला एरिया, नाइट ब्रिज कहते हैं इसे, नाइट ब्रिज करके जगह है, मेट्रो स्टेशन भी है यहीं पे वॉकिंग डिस्टेंस पे, और सारा घूमने फिरने का भी है ना। थोड़ा जो स्टेडियम है लॉर्ड्स का वो थोड़ा दूर है, 3 माइल दिखा रहे हैं यानी 5 किलोमीटर, बट यहाँ से कनेक्टिविटी सब मिल जाएगी बस वगैरह की, बाकी बिग बैन वगैरह ना वो सब चीज़ें यहाँ से बहुत पास पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये आ गया देखो गली मुड़ते ही बिल्डिंग नंबर 31, गली मुड़ते ही देखो भाई पूरा रेजिडेंशियल एरिया आ गया, ये सारे अपार्टमेंट बने हुए इन्हीं अपार्टमेंट, मतलब इन्हीं बिल्डिंग में से एक अपार्टमेंट है अपना और बिल्डिंग नंबर है 31। booking.com से बुक करवाया तो उन्होंने लोकेशन बता दी एग्जैक्ट उस साइड कहीं है। ये तो है 27 नंबर, फिर 28, 29, 30 और ये रहा 31। लेट्स गो भाई, इस वाले में है अपना अपार्टमेंट। सामान निकाल लेते हैं भाई, टोयोटा की है वॉक्सी, हमारे इंडिया में नहीं आती है ना, छोटा सा वैन टाइप की है, हाँ बड़ी है जगह। लो जी मिल गया, और ये भाई साहब भी आ गए चेक इन करवाने के लिए, चलो चलो छोड़ दो ले आऊँगा। ये अच्छा है भाई कि ग्राउंड फ्लोर पे ही है, क्योंकि ज़्यादातर इन बिल्डिंग्स में ना लिफ्ट नहीं होती तो ऊपर चढ़ाने में हालत ख़राब हो जाती, बट ठीक है थैंक यू, ग्राउंड फ्लोर पे बढ़िया रहेगा। ये है भाई घुसते ही देखो ग्राउंड फ्लोर, बिल्कुल है जरा सा ही, मतलब छोटा सा अपार्टमेंट है, एक बेड लगा हुआ है जो ये फुल साइज़ बेड नहीं होता, यहाँ सोफ़ा लग रहा है और ये किचन है, बाकी वॉशरूम, वेयर इज द वॉशरूम, दिस साइड, ओके हाँ ओके दिस साइड, थैंक यू। तो ये देख लो भाई ऊबर ने जो है वो 60 पाउंड लिया है, मेरे कार्ड से 6200 रुपीज़ कटे हैं कन्वर्जन वगैरह मिला के। इधर बाकी एक किचन दे रखी है, हाँ ये हीटर दे रखा है सर्दियों के,
लिए, और एक फ़ैन भी दे रखा। वैसे हम फ़ैन ले आए थे वहाँ से, मैंने कहा कहीं हुआ नहीं तो गर्मी लगेगी, बट इन्होंने दे दिया। इधर की साइड में भाई नहाने का शावर एरिया, और लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे टॉयलेट है, तो काफ़ी सही है। मतलब दोनों अलग अलग बना रखे हैं ना, बाकी है पिद्दू सही। आप देखोगे यहाँ से बस घुसे ये इतना ही एरिया, मतलब सही है सेंट्रल लंदन के हिसाब से, बहुत सही मिल गया। हाँ वही, अब मैं प्राइस बताऊँ तो मुझे ये एक रात का पड़ा है 7,800 रुपीज़ का टोटल, मतलब दो रातों का आप लगा लो 16,000 रुपए राउंड ऑफ में पकड़ लो, तो ठीक है उस हिसाब से। हाँ तो दो दिन का बता रहा था, एक दिन का 2,7,800 फिर भी सेंट्रल लंदन के हिसाब से, क्योंकि 16,000 रुपए जो है यहाँ का बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, सारे ब्रांड ही होते हैं उसमें, ऑलमोस्ट बड़े बड़े ब्रांड है, तो हैरिट्स के बिल्कुल ही पास में है, तो ऊपर से अपार्टमेंट है, किचन विचन कोई कुक करना हो कुछ, है ना, ठीक है। चलो अब यहाँ से निकल रहे हैं भाई लॉर्ड स्टेडियम, बुक करिए कैब, क्योंकि सिर्फ आधा घंटा है, 3:30 बजे की टिकट बुक है और 3 ऑलरेडी बच चुके हैं, तो इसलिए सोचा कैब में ही जाएंगे, वही 10-11 पाउंड लगेंगे, यानी 1,000 रुपये के आसपास। लो जी लो बाहर निकले और अपनी ऊबर भी आ गई। ऊबर नहीं, इस बार मैंने ना बोल्ट ऐप से किया है, ऊबर में थोड़ा महंगा दिखा रहा था, बोल्ट में सस्ता है, बट वहाँ से यहाँ आने में ऊबर सस्ती थी बोल्ट महंगी थी, तो दोनों चेक कर लेना ऐप, जहाँ सस्ती मिले वो बुक कर लो। तो भाई हमारे जो टिकट है उसमें लिखा हुआ है ग्रेस गेट, तो यही वाला ग्रेस गेट है ये देखो सामने, यस तो आ गए भैया स्टेडियम, वो देखो फ्लड लाइट इतनी बड़ी, लेट्स गो, ओके थैंक यू, यस दिस वन इज ग्रेस गेट, ये देख सकते हो भाई लॉर्ड्स ग्रेस गेट लिखा हुआ है, लेट्स गो। एंड सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट है यहाँ पे, तो पूरा बैग वैग चेक करेंगे, और टिकट ऑनलाइन ही बुक करके आना इनकी वेबसाइट से, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सोल्ड आउट आज के लिए, बट अपने पास तो टिकट्स है। चलो जी टूर जो है वो खत्म हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने घुसते ही जहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ ना वहाँ बोल दिया कि वीडियो बनाना ही अलाउड नहीं है, फोटोज ले सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ अंदर क्या क्या हुआ फोटोज के थ्रू। सबसे पहले तो हमें लेकर गए भाई अंदर जो मेन एरिया है पवेलियन का, पवेलियन के बाद वहाँ पे दो ड्रेसिंग रूम थे, एक होम टीम यानी इंग्लैंड जहाँ पे रुकती है, और दूसरा विजिटर टीम, मतलब जो भी टीम के साथ मैच है, इंडिया पाकिस्तान कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे बस बेसिकली गैलरी थी जहाँ से दिखाया गया स्टेडियम को, वीडियो बना नहीं सकते थे इसलिए फोटो ले ली एक जगह पे, और 1983 की वो फेमस गैलरी भी देखी जहाँ पे कपिल वाजी ने जो है वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई थी, तो उसकी भी फोटो आप देख सकते हो ये। इसके अलावा ड्रेसिंग रूम की गैलरी जहाँ पे सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतार के घुमाई थी, वो भी हम गए वहाँ पे विजिट किया, फोटो देख सकते हो आप उसकी भी। फिर उसके बाद भाई मेन जहाँ पे सारी जनता बैठती है सीट्स वगैरह वहाँ पे बैठे, उन्होंने दिखाया कि ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा ना ऐसे स्लैंट है, मतलब कि स्लाइड वाला है 8 फीट का लगभग, मतलब एक तरफ 8 फीट ऊंचा है, दूसरी तरफ आप देखोगे तो 8 फीट नीचा है। बस इसके अलावा फिर एंड में आए अपना टेनिस कोर्ट दिखाया, मीडिया सेंटर दिखाया, मीडिया सेंटर अच्छा था, वहाँ से व्यू अच्छा आ रहा था, तो वहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं वो सब बैठते हैं, तो अच्छा था एयर कंडीशन प्रॉपर। फिर एंड में जाके एक शॉप आई सोविनियर के लिए, जहाँ पे एक मैंने वही हमेशा की तरह भाई फ्रिज मैग्नेट लिया एशिस का, एंड एक भाई एशिस 2023 की ऑफिशियल कैप लिया, तो ये देखो भाई मस्त लग रही है ना। ये कैप थी 17 पाउंड की, वो थी 6 पाउंड का, यानी कि 2400-2500 रुपए में दोनों चीजें आ गई। अब यहाँ से चलते हैं भैया, कुछ पेट पूजा करी जाए, भूख लग रही है बहुत तेज। 1.5 घंटे का था वैसे तो, बट पूरे 2 घंटे लग गए, और हम आए भी लेट थे 20-25 मिनट, बट ठीक है हो गया काम। और इसकी टिकट जो है वो एक बंदे की 30 पाउंड है, गाइडेड टूर होता है भाई उनके, मतलब हमारे ग्रुप के साथ में दो बंदे चल रहे होते हैं, एक लड़की थी और एक लड़का के मतलब अंकल थे, तो वो तो बिल्कुल भी वीडियो बनाने ही नहीं दे रहे थे, मतलब साफ इंस्ट्रक्शन थी कि बस फोटो ले सकते हो, वीडियो गलती से भी नहीं लेना, अलाउड ही नहीं है, तो इसलिए बाकी ठीक था, काफी चीजें बताई नॉर्मल है, जो क्रिकेट फैंस है वो देख सकते हैं। हाँ ग्राउंड यार बड़ा छोटा है, मतलब मेरे को लगा कि ऐसे बाउंड्री बड़ी छोटी सी है जहाँ पे सीट लगी हुई थी और जहाँ पे पिच थी, बट ठीक है जो भी है, आइकॉनिक ग्राउंड है, होम ऑफ क्रिकेट बोलते हैं इसे, 1814 से है ये ग्राउंड, मतलब कि ऑलमोस्ट भाई 209 साल हो चुके हैं, तो इसलिए विजिट करते हैं। और जो आप पवेलियन वगैरह भी अंदर देखोगे वो भी इतना कुछ खास मतलब वो नहीं था, अपडेटेड है ना, बहुत पुराने जमाने टाइप का बना हुआ था, हाँ कि क्रिकेटर्स आते होंगे, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, बहुत ही बेसिक सा नॉर्मल सा सीट्स लगी हुई थी, बट ठीक है जो है सो है। यार फाइनली सामने लंदन का आइकॉनिक टेलीफोन बूथ मिल गया है, कोशिश करते हैं यहाँ पे फोटोज लेने की, अगर अच्छी फोटो आ गई तो इंस्टाग्राम पे डाल देंगे मजे से। लो भाई यहीं पे पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, इंडियन पाकिस्तानी आप कुछ भी कह लो, राहोरी के नाम से, तो चल के आपको दिखाते हैं प्राइजेस क्या है यहाँ पे इंडियन खाना अगर आप खाना चाहते हो तो। बंद तो नहीं है देखना, खुला है चलो शुक्र है, और खाली भी है भाई, भीड़ नहीं है ज़्यादा, जल्दी मिल जाएगा खाना। कुछ इस तरह से है भैया रेस्टोरेंट, मेन्यू तो इनका काफ़ी बड़ा है, मतलब सब कुछ ही मिल जाएगा ऑलमोस्ट। रेट आप देख लो भाई, कढ़ाई पनीर है 12.5 पाउंड यानी कि अराउंड 1300 रुपये, तो जितनी भी सब्जी है यही है भाई 1400-1500 रुपये 1300 रुपये। आलू वो भी वगैरह सस्ती है देखो, 9 पाउंड की 900 रुपये की
की दाल मखनी भी 7.5 पाउंड की, प्लेन बासमती राइस है 3.5 पाउंड, 110 से मल्टीप्लाई कर लेना। सीख कबाब मिल रहे हैं लैम्ब वाले, ये तो हम खाते नहीं है, अगर छोड़ो। चिकन कबाब भी इनके पास 7.75। गाजर का हलवा भी मिल रहा है 2.8 पाउंड, आज ये खाएंगे हैं, बड़ा दिन हो गए गाजर का हलवा खाए हुए। हाँ इस बार बाकी रोटी देख लो तंदूरी है इनके पास, पापड़ी चाट है भाई, मिल गई बढ़िया। ये रही 7.5, चलो आज ये भी खाएंगे। बाकी नान है, तंदूरी रोटी है, वही 250-300 रुपए के आसपास की एक रोटी मिल जाएगी। लच्छा परांठा थोड़ा महंगा है 375 का, यही है बस। करते हैं ऑर्डर भाई, पेट भर के खाना खाते हैं, फिर देखते हैं कितना बिल आता है। लो जी, लो खाना आ गया है। दो हमने यहाँ पे अपना सब्जियाँ मंगवाई है, एक राइस है, एक लच्छा पराठा, एक तंदूरी रोटी, एक प्लेट हमने पापड़ी चाट मंगवाई थी जो ख़त्म कर चुके हैं, और एक स्टार्टर मंगवाया था वो भी ख़त्म कर चुके हैं। बाकी अनियन सैलेड आ रहा है, पानी में हमने बोतल नहीं ली, टैप वाटर बोला तो ये फ्री में मिल जाएगा। चलो जी, चलो पेट पूजा डन, टेस्ट काफ़ी अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी, और दो लोगों का इंडियन अगर आप खाना खाते हो यहाँ पे तो हमारा बिल आया 55 पाउंड का, यानी कार्ड से कटे है 5800 इंडियन रुपीज, वही 5-6 हज़ार के बीच में दो बंदे खा सकते हैं एक सब्जी। स्टार्टर भी था, और अगर एक सब्जी लोगे तो 2500-3000 में भी खा सकते हो ना, तो डिपेंड करता है कितना खा रहे हो। खाने को तो भाई 50,000 का भी खा लो, जितना मर्जी मंगवाते रहो, बट एवरेज जो है वो 3000 से 5000 के बीच में रहेगा। बाकी ना केमिस्ट की शॉप यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखती है। अच्छा, जैसे अपने इंडिया में क्या है, मेडिकल स्टोर पे जाओ और उन्हें बोलो पेट दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, वो दवाई दे देते हैं, यहाँ पे होता है वैसा? ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने जीपी से, जैसे यहाँ पे ना डॉक्टर का रजिस्टर्ड होता है हमारा, जब हम यहाँ पे आते टूरिस्ट का तो मुझे पता नहीं, वो नहीं अपना इंश्योरेंस करवा के आते, लेकिन हम जैसे स्टूडेंट्स आते हैं तो हमारा नेशनल इंश्योरेंस होता है, तो उससे क्या है वो जो नंबर देता है ना, एक यूनिक नंबर होता है IHS नंबर, तो वो आपका आपके जीपी के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है, मतलब डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के साथ, तो आपका एक डॉक्टर बन गया है, उसी के पास जाना है। जैसे मेरा वेलिंग में मैं रहती हूँ तो मेरे घर के पास मेरा अपना रजिस्टर्ड है, हाँ। तो मुझे उनको कॉल करनी पड़ेगी, फिर उनको बताना पड़ेगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। वैसे नॉर्मल फिर वो प्रिस्क्रिप्शन देंगे, फिर हाँ। दवाई मिलेगी, हाँ, है ना, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिलती, कोई भी नहीं मिलेगी। कोई पेन किलर हो, कुछ भी हो, वो आपके घर में डोलो वगैरह अपने आप से ले सकते हो कुछ भी, पर वैसे ये केमिस्ट वाले नहीं देंगे ना, केमिस्ट वाले बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई नहीं देते हैं। बाकी ये देख लो जी, यहाँ का पुलिस स्टेशन है ये, अभी तो फिलहाल बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं किस रीजन की वजह से, पूरी जाली वाली लगा रखी है, देखना शटर में अच्छे से सिक्योरिटी है। अच्छा, बाकी यहाँ पे राशन पानी का क्या सीन है, दुकानें बड़े बड़े स्टोर तो होते ही है, साथ में छोटी मोटी दुकानें भी होती होंगी, है ना, जैसे गलियों में होती है इंडिया में? देखो ऐसे दिख रही है ना, ऐसी कुछ शॉप्स होती हैं छोटी छोटी, जहाँ पे नॉर्मल हमारा डेली बेसिस का सामान मिल जाता है, या फिर 24 आवर्स लाइसेंस शॉप बोलते हैं उसको। पर इन वाली दुकानों में तो महंगा मिलता होगा ना सामान, जो बड़े सुपरमार्केट है उनमें सस्ता मिलता होगा, सस्ता होता है, तो वहीं चलते हैं। टेस्को है, टेस्को एक्सप्रेस है, छोटी सी है, तो इसमें क्या है कि ऐसा यहाँ पे भी चीजें मिल जाती, पर इससे भी सस्ते को और भी सुपर स्टोर है। ये देखो एक ये रहा सामने पाउंड सुपर स्टोर करके, ये भी कितना सारा है भाई, एवरी आइटम 1 यूरो प्लस, मतलब एक पाउंड से प्लस किया है, ये क्या चक्कर है, एक पाउंड से बड़ी ऊंची मतलब ऊपर है। हाँ मतलब एक ऑलमोस्ट काफी चीजें है जो एक ही पाउंड की मिलती है, अच्छा। या फिर एक पाउंड से थोड़ी सी ज्यादा, वही 1.5 या 2 पाउंड में, तो ऑलमोस्ट पाउंड स्टोर। दुबई में भी ऐसे बहुत सारे स्टोर थे जहाँ पे ना मतलब 10 दिरहम 20 दिरहम में ही चीजें सारी मिलती है जो अंदर। यहाँ पे भी है पाउंड स्टोर, उसको बोलते हैं पाउंड शॉप, समझ गया। बाकी इंडिया में जैसे अपने वो लगते हैं बाहर स्ट्रीट पे ही ठेले टाइप के 25 पाउंड में 15 पाउंड में सूट वगैरह, उस तरह से भी यहाँ लंदन में मिल जाता है। ये देखो कुर्दिस्तान रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे भाई, मतलब हर कंट्री का आपको खाना मिल जाएगा। ये एक फ्रूट शॉप और सब्जी की शॉप है, हलाल मीट वगैरह भी मिल जाता है इसी में, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। ये तो प्रॉपर ही भाई देखो उसकी है, मच्छी वच्छी सब मिल रही है इनके पास, जैसे अपने इंडिया में स्टोर। सी फूड भी है, चिकन वगैरह भी होंगे, है ना। बाकी एक फरा सुपर मार्केट करके भी है भाई, यहाँ पे भी पनीर वगैरह सब कुछ मिल रहा है, बट हम ढूंढ रहे हैं लीडा का स्टोर। नहीं नहीं, एलडी और लीडल, ये दो सुपर स्टोर है जहाँ पे बाकी स्टोर के कंपैरेटिवली सामान सस्ता होता है यहाँ, और बड़ा भी है, और अच्छा भी है, बड़ा भी है ना स्टोर, है ना, सब कुछ मिल जाएगा, मिलता है सब कुछ, तो वहीं चल के दिखाते हैं आपको क्या प्राइस है। पार्थ के लिए स्मार्ट वॉच फाइनली मिल गई भाई 25 पाउंड में, हाँ दे दो ठीक है, पैक मिल गया। ये रहा
चलो जी, अब लड़का खुश हो जाएगा और फोन से कनेक्ट करके। ये चार्जिंग केबल है साथ में? ठीक है जी सर। अच्छा हाँ, ये रही ना केबल, ऐसी चार्ज हो, सेम एप्पल वॉच की कॉपी है एक तरह से समझ लो, बस नाम है अल्ट्रा कुछ करके TPS 8। कार्ड से ले लोगे ना? और मेरे जो हिमाचल वाले नाना है उनके लिए भी एक घड़ी लेनी थी, वो कह रहे थे लंदन से ही लेकर आई हो बड़े डायल वाली, तो अब यही है सबसे बड़ा भाई, इससे बड़ा तो कोई डायल नहीं मिल रहा, यही फाइनल करते हैं। चलो जी, दो लोगों का शॉपिंग का तो काम हो गया, ये टेंशन खत्म घड़ी वाली। अब जो मेरे को शॉपिंग करनी है ना वो मैं परसों करूंगा, एक दो कपड़े वपड़े लेने अपने लिए और देखते हैं घर वालों के लिए लिपस्टिक वगैरह मंगवाई हुई है भाभी ने और बहन वहन ने मेरी, तो लेट्स सी परसों ही पता चलेगा। देखो भाई ये स्टोर है अल्डी लोकल करके, कितनी बड़ी भाई साहब, मतलब वहां से एंट्रेंस है इसकी और ये पूरा का पूरा देख रहे हो ये अंदर स्टोर ही है। जरा देखा जाए दाल चावल वगैरह जो राशन है आटा वगैरह वो कितने का मिलता है, कुछ इंडियन ब्रांड भी मिल जाएंगे तो उनके भी रेट दिखा दूंगा, वरना जो नॉर्मली मिलता है वो तो दिखा ही रहा हूँ। देख लो भाई कितना बड़ा स्टोर है, ओए ह्यूज भाई ह्यूज, खरीदना कुछ नहीं है सिर्फ एम ही जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, बताओ। चलो 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 चलो, ये देखो सबसे पहले तो दूध के लिए इतने बड़ा फ्रिज लगा हुआ है ब्रिटिश मिल्क करके, कौन सा यूज करते हैं यहाँ पे, ग्रीन वाला ये वाला क्या है, फुल क्रीम है ये क्या है, होल मिल्क है ये। कितने लीटर है ये, 5 लीटर है क्या, कितना है ये? तीन लीटर का, 3 लीटर दूध है भाई ये, 3.4 लीटर का है और रेट है 2.15 पाउंड यानी कि लगभग 220 रुपए का। हाँ तो ठीक है, इंडिया में भी आजकल महंगा हो गया, मतलब 80 या 90 रुपए लीटर हो गया। हाँ। उसे सही है क्या, महंगा थोड़ी है कुछ। अंडे देख लो भाई इस तरह से मिलते हैं, 6 अंडे है, कितने का है रेट ही ना लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कितने के होंगे अंडे, 190 रुपए के 6 अंडे है भैया। ये चीनी है भाई यहाँ की, कितने ग्राम का है, 1 किलो का पैकेट है ये, प्राइस है इसका 1.09 पाउंड यानी कि 110 या 115 रुपए किलो चीनी। बाकी स्टोर में भाई दारू बियर के लिए अलग ही पूरा सेक्शन बना हुआ है, देख रहे हो रेड वाइन वगैरह सब कुछ मिल जाएगी आपको लाइन से यहाँ पे। रेट अब मुझे तो पता नहीं भाई कौन सा क्या है, ये देखो न्यूजीलैंड की है ये कोई ब्लैंड करके 6.99 यानी कि 700 रुपए। इन ब्रांड्स का तो मुझे पता नहीं, छोड़ो इसलिए क्या ही दिखाना। बाकी किचन का सामान मिल रहा है, स्पॉन्ज वगैरह और सिल्वर फॉइल देख लो, फ्रूट देख लो भाई, छोटे छोटे से सेब मिल रहे हैं 6 पीस है और कितने के है लगभग 100 रुपए के, देखना कितने से है भाई साहब जरा जरा से। बेबी प्लम टोमेटोज भी मिल रहे हैं, ये भी कितने का, 70 रुपए का पैकेट है लगभग। केले बड़े कच्चे कच्चे से मिलते हैं, अच्छे नहीं होते केले पके हुए, पता नहीं वो तो बेकार है बड़े। इनके पास नहीं है यार फल सब्जी, अभी रस्ते में दुकानें आई थी वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे फल थे, है ना, संतरे हैं यहाँ पे कितने का, 200 रुपए किलो है संतरे लगभग। नींबू है भाई 14 रुपए का 1 पीस, अब ये 4 पीस है तो उस हिसाब से रेट लगा लो, 55-60। बाकी मैंगोज भी है कच्चे कच्चे से बिल्कुल, 90 रुपए का 1 पीस है जरा सा। चावल का पैकेट है भैया 1 किलो का है, ये मैक्सिकन स्टाइल है वो भी, कितने रुपए का, 80 रुपए का, तो ठीक है ना 80 रुपए का किलो चावल। तो सनफ्लावर ऑयल है भाई 220 रुपए की एक बोतल, लीटर की है शायद, ये वेजिटेबल ऑयल है, ये सनफ्लावर ऑयल है, ये बने बनाए भाई चावल मिल रहे हैं 2 मिनट, मतलब माइक्रोवेव या गर्म करो खाली और उसके बाद खाओ मस्त। न्यूटेला स्प्रेड जो है भाई हेजलनट वाला वो मिल रहा है अपना, न्यूटेला को यहाँ पे न्यूटोका क्यों लिखा हुआ है भाई साहब, हेजलनट वाला 1.69 170 रुपए का, मतलब 1 पाउंड ना 110 रुपए का है, तो आप खुद कैलकुलेट कर लेना, मैं पाउंड में बताता चलता हूँ। ये है भाई फ्रूट्स का, वहाँ पे मैं देख रहा था कम दिख रहे थे, मैंने कहा अब है ना पता चल रहा है। ये देखो भाई साहब रेड पेपर 54 रुपए का 1 पीस, बताओ। बड़े वाले टमाटोज भी मिल रहे हैं, चलो अच्छा है। एवोकाडो कितने, 100 रुपए का 1 पीस है, नहीं 100 रुपए के 2 पीस। गाजर लेनी हो किसी को भाई 68 पैसे, मतलब 70 रुपए का 1 किलो गाजर का पैकेट, 34 है। इसके अलावा बैंगन मिल जाएंगे भाई 1 पीस है 90 रुपए का, बताओ किलो तो सोचो कितने का ही होगा। कुकुम्बर यानी खीरा भी मिल रहा है भाई 80 रुपए का 1 पीस, होए महंगाई। भुट्टा मिल रहा है जी, भुट्टा खा लो 60 रुपए का 1 पीस, बताओ। इंडिया में बना बनाया मिल जाता है 15-20 रुपए में, यहाँ पे 60 रुपए का कच्चा दे रहे 1 पीस। लहसुन है भाई साहब, ओ ये 4 लहसुन है 100 रुपए के लगभग, 95 पीस आप क्या बोलते हैं, पी मतलब क्या होता है, पैनिस सॉरी, हाँ मतलब 100 रुपए में बताओ 4 लहसुन। आलू मिल रहा है भाई 1 पीस, ये 1 पीस अगर आप लोगे 25 रुपए का। ब्राउन अनियन मिल रहा है, ये 3 का सेट है टोटल 100 रुपए। ये रेड अनियन है, ये भी 3 का सेट है 100 रुपए में। स्वीट पोटैटो देख लो भाई सब 65 रुपए का 1 पीस, नो डाउट भाई बहुत ज्यादा महंगा है। क्या है ये, धनिया है ये, कोरिएंडर कितने का बताओ, 17 पाउंड का किलो, वो भाई सब रेट देखो 17.35 पाउंड पर केजी यानी 1700 रुपए का किलो धनिया। इंडिया में लोग फ्री में उठा लेते धनिया रेडी में से, बताओ यहाँ 1700 रुपए का किलो। ओ भाई अगर जो यहाँ पे रहते ना तो वो तो अपने घर पे ही ग्रो कर लो, और क्या? अपने घर पे लगा रखा 1700 रुपए किलो, पता है आपको कितने होते हैं भाई धनिया के लिए खाली इंडिया में, कितने रुपए किलो होगा अंदाजा, 20-30 रुपए का
50 रुपए किलो होगा ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ 1700 रुपए भाई, 1700 रुपी। अनार भाई 350 रुपए किलो, 3.3 पाउंड। स्ट्रॉबेरीज भी महंगी है। ये यहाँ पे कुछ क्रीमी कोल्सलो मिल रहा है, क्या चीज है ये? इसमें ब्रेड के ऊपर जैसे सैंडविच क्रीम घर पे बनाते हाँ। तो वही ब्रेड पे स्प्रेड करके इजी मतलब अच्छा मतलब काइंड ऑफ रेडीमेड पूरा मिक्सचर है। आलू आलू वेज है ना ये? सारी वेजिटेबल्स का है, अपना ब्रेड पे बिछाओ, गरम करो और खाओ, है ना? गरम करने की जरूरत नहीं, ऐसे ठंडा ही खा लो जैसे फटाफट जल्दी है कोई तो। हाँ ये है भाई 1.19 पाउंड का, यानी 120 रुपए। ये भाई यहाँ का लोकल ब्रिटिश अनसॉल्टेड बटर है, और ये है सॉल्टेड बटर, ये है 180 रुपए का, और ये भी 180 का। तो सॉल्टेड लेना तो लाल वाला, अनसॉल्टेड लेना तो ब्लू वाला, काफी महंगा। अमूल मेरे ख्याल कितने 70-80 रुपए का इंडिया में है ना टिक्की, और ये महंगी है। दही कितने की है? 90 रुपए का है ना, 90 रुपए का है भाई ये ग्रीक स्टाइल नेचुरल योगर्ट। लेकिन ठीक रहता है अगर किसी ने लेना है तो ग्रीक स्टाइल यही लिया करें। बढ़िया, ये खाया आपने? 500 ग्राम है, आधा किलो का। हरी सब्जियाँ इतनी महंगी है ना भाई, अगर आप वेजिटेरियन हो तो बहुत पैसा खर्च होगा आपका सब्जियों में, है ना? मतलब गोभी ले लो, गाजर ले लो, टिंडे ले लो, घिया ले लो। ये टिंडे घिया तो मिलते ही नहीं होंगे, वो इंडियन शॉप से मिलते हैं, वो बहुत महंगे होंगे ना। मैं भी नहीं लेके आती, 500-600-700 रुपए से कम नहीं होते किलो, नहीं आधा किलो। लोग इंडिया में तोरी घिया खाते हैं क्योंकि वो सस्ते है और हेल्थ के लिए भी अच्छे है, बट यहाँ पे सस्ते छोड़ो भाई, 600-700 रुपए का बताओ घिया मिल रहा है। ब्रेड मिल रही है ये 80 रुपए की, काफी बड़ी है, ठीक है 80 रुपए की, तो फिर तो इंडिया में शायद कितने 30-35 रुपए की होगी। अच्छा आप काफी लोग कहेंगे इंडिया के रेटों को यहाँ के रेटों से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप इंडिया से एज अ स्टूडेंट आ रहे हो या मेरी तरह टूरिस्ट आ रहे हो तो ही मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भैया आप कमा के इंडिया से ला रहे हो और यहाँ पे खर्च करने वाले हो, चाहे वो आप स्टूडेंट हो चाहे आप टूरिस्ट हो, तो इसलिए रेट कंपेरिजन जरूरी है। लेकिन अगर कोई यहीं पर अर्न कर रहा है तो भाई उसके लिए तो ये चीजें महंगी नहीं है, सस्ती है, तो कोई कंपेरिजन वाली बात बनती नहीं। जैसे दीदी है वो तो यहीं पे अर्न कर रही है यहाँ की इनकम के हिसाब से, तो ठीक है उनके लिए, बट अगर मैं एज अ टूरिस्ट आया हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ें महंगी लगेगी, क्योंकि मैं इंडिया में कमाता हूँ भाई और यहाँ पे आके खर्च कर रहा हूँ, है ना? क्या है मटर? हाँ मिक्स वेज है सारी, तो सब्जी जैसे बनानी हो तो ये राइस वगैरह पुलाव बनाना है, तो ये देख पैकेट है, सारी सब्जी है फ्रोजन वाली, अपना कुछ भी बना लो। कितने का? 85 का, ज्यादा बेटर है ना। हर जो मतलब 90 रुपए में मटर हो गया, गोभी, गाजर हो गई, स्वीट कॉर्न हो गया, काफी चीजें है 90 रुपए का। ये बात बहुत सही है, 90 रुपए का सही है ना, बाकी सब्जियों से फ्रोजन टाइम भी बच गया, कटा कुटा मिल गया सब कुछ। मटर का पैकेट भी 90 रुपए के आसपास है। तो ये थे भाई लंदन में ग्रोसरीज वगैरह के प्राइजेस, दूध, अंडे, मक्खन, ब्रेड। यहाँ पे भी लोगों ने साइलेंसर लगा रखे होते हैं और बजाते जाते हैं भाई साहब। चलो अब आपको दिखाता हूँ थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रेन की टिकट यहाँ पे नॉर्मली अगर कोई साउथ लंदन से सेंट्रल लंदन आ रहे तो कितने की लगती है एक तरफ की? एक तरफ की 400 रुपए की, 4 पाउंड की मतलब, है ना? बस और उसको मिला लो तो 550 रुपए। तो अभी हम यहाँ से बस लेने वाले हैं, लगभग आधे घंटे की राइड होने वाली है, लेट्स सी कितना पैसा कटेगा। कितना कटेगा वैसे? 175 रुपए। चलो देखो कहाँ से मिलेगी, अपनी गूगल मैप से ही देखते हैं हम भैया लोकेशन बस की, और सीधा फिर बैठ जाते हैं। अरे अगर जिसके पास काफी टाइम है ना, जैसे लंदन में अगर कोई घूमने के लिए आया तो यहाँ पे बसेस जो है सस्ती है, एक एक घंटे में आप जितनी मर्जी बस टच कर लो, जितनी मर्जी बस चेंज कर लो आप, तो उसमें आपके एक एक पाउंड 75 रुपए ही कटेंगे, मतलब 1.75 पीस। या सही है, तो सही है, वो ठीक है। और पूरे दिन का बस का जो पास बनता है वो बनता है 495 में। अच्छा। तो अगर आपके पास टाइम है सेंट्रल लंदन तक या कहीं पास में लिया है तो आप बस से ट्रेवल करो, क्यों ट्रेन से करना, आराम से व्यूज भी एंजॉय करो। 500 रुपए में पूरे दिन, है ना? हाँ तो फिर फायदा नहीं है ना, वो 1100 की जगह 500 ठीक है ना, वो 600 खाने में लगा लो। सही बात, ट्रेन महंगी है नो डाउट भाई यहाँ पे काफी ज्यादा। लो भाई बातें करते करते बस भी आ गई फटाफट, सामने स्टॉप है, भाग रहे हैं। इतना चल चल के ना भाई पैरों की बैंड बज जाती है, उसके बाद ऐसे भागना पड़ जाए तो और ज्यादा हालत खराब। और यहाँ पे ना बस के लिए टिकट नहीं लेनी होती, मशीन लगी होती है, अपना सीधा डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड कुछ भी टैप करो और खुद ही कट जाते पैसे, तो सही चीज है ये। टिकट विकेट लेने का पंगा ही नहीं भाई, ये देखो यहाँ लगाई, डन, लिटरली 2 सेकंड में काम हो गया। आगे पीछे आ जाओ, पीछे ये सेलिब्रिटी है, मैं पापराजी है, पीछे पीछे कैमरा लेके घूम रहा हूँ। सही है भाई, चिल सीन है यहाँ पे बड़ा। एक तो भाई साहब यहाँ की बस में ना एसी पंखा कुछ नहीं चल रहा होता, बाकी तो चलो 8-9 महीने यहाँ पे सर्दियाँ रहती है इतनी दिक्कत नहीं, बट जो गर्मियों का सीजन है उसमें भी नहीं चलाते भाई पंखा, तो ऐसी हालत खराब हो जाती। कहाँ चल रहा है? नहीं, अभी नहीं चला रहे। हाँ चलाते हैं, हाँ, चलता है।
दीदी कह रही है चलाते, पर चला नहीं रखा। यहाँ खिड़की तो खोल रखी है, देखो छोटी सी हवा आती है थोड़ी बहुत, ये खिड़कियाँ खुलती होती तो सही था। ये वाला बाजार देख के तो लग ही नहीं रहा लंदन है, ऐसा लग रहा दुबई आ गया हूँ। देखना सारी वहीं की दुकानें हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, और लिखा भी अरेबिक में, आई गेस अरेबिक ही है शायद से ना। लंदन में क्या है ना, अलग अलग एरियाज बटे हुए हैं जहाँ पे अलग अलग देश की कम्युनिटी रहती है। जैसे कि साउथ होल है जहाँ पे मैं कल जाने वाला हूँ, वहाँ पे प्रॉपर इंडियन या फिर सरदार लोग रहते हैं सारे, ऐसे ही जहाँ पे मोमोज खाए थे वहाँ पे अफ्रीकन थे मैंने दिखाया था। ये एरिया जो है मुझे लग रहा है अरेबिक ज़्यादा लोग रहते होंगे, इसलिए स्टोर ज़्यादा वही है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भी सारे के सारे भाई उन्हीं लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पूरा लाइन से हुए हुए लेबनीज है यहाँ पे, चलो ईरान है भाई, देख रहे हो सब कुछ मिलेगा आपको लंदन में। टोटल भाई मेरे कार्ड से कटे 190 रुपये, बट अभी हमें एक और बस चेंज करनी है, तो जैसे कि दीदी ने बताया था एक घंटे के अंदर अंदर आप चाहे 100 बस में चढ़ो उतरो वो एक ही बार कटेंगे, तो मतलब अब मुझे टैप नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं टैप करना पड़ेगा और पैसे नहीं कटते। हाँ टैप तो करना ही पड़ेगा एंट्री में, लेकिन पैसे नहीं कटेंगे। बेंच देखना भाई साहब बस स्टॉप में कितने कितने से बने हैं, मतलब फिट कैसे आएगा भाई इसमें कोई बैठने का, देखना कोई भाई साहब नाम का ही बेंच है उससे अच्छा लगाते ही मत। लो आ गई अपनी 74 नंबर बस, 5 मिनट वेट करना पड़ा, और सेम कार्ड ही भाई टैप करना जो पिछली बस में किया था, अगर अलग टैप कर दोगे तो पैसे कट जाएंगे फिर से, अब मैं वही सेम कर रहा हूँ तो इसलिए पैसे नहीं कटेंगे। चलो कसम से भाई साहब भट्टी बनी पड़ी है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, ये देख रहे हो पसीना निकल रहा है, और ऐसे ह्यूमिडिटी सी हो रही है बड़ी, पता नहीं क्यों नहीं चला रखे पंखे वंखे। शायद छोड़ो भाई अगला स्टेशन है हमारा तो उतर जाना है देखने। और अगर आपको बस रुकवानी है ना तो इस तरह के बटन लगे होते हैं हर सीट पे, ये दबा दो अगले स्टॉप पे बस रुक जाएगी। वैसे तो रोकते ही है हर स्टेशन पे, बट स्टिल कुछ कुछ स्टेशन स्किप मार दे अगर तो इसलिए बटन दबा देना ही ठीक है भाई। ब्रैम्पटन स्क्वायर करके आएगा अपना, वहाँ उतरते ही 4 मिनट की फिर वॉक है अपार्टमेंट तक की बस। चलो जी चलो लेट्स गो। हाँ बाहर आके हवा चल रही है भाई, इतना अच्छा फील हो रहा है, अंदर तो ऐसे घबराहट सी हो रही थी गर्मी में, और इस टाइम भी भाई पूरी चहल पहल है, रात के 8 बज रहे हैं देख रहे हो, मस्त एकदम लोग निकले हुए हैं, सब कुछ खुला हुआ है आराम से। संडे छोड़ के वैसे सेंट्रल लंदन खुला रहता है ना प्रॉपर, खुला रहता है संडे भी, संडे को भी सेंट्रल लंदन तो खुला है, लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं। बट सही है एरिया अच्छा है ये अपना, मतलब रहोगे होटल थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट फिर लंदन आ रहे हो तो क्या ही लेना, पोश एरिया एक से एक गाड़ियाँ दिखेगी, मतलब नॉर्मल रोड पे ऐसे रोल्स रॉयस वगैरह तो चलती फिरती दिख ही जाती है, यही गली है शायद। ये देखो भाई क्या कूल गाड़ी जा रही है, लोटस नाम था, मैंने तो नहीं देखी ऐसी गाड़ी पहले कोई लोटस नाम की। ये देखना भाई टोयोटा की कौन सी गाड़ी है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब, थार जैसी लग रही है। ये आ गए भाई अपने अपार्टमेंट, सारे के सारे मस्त है देखना, पूरे डिट्टो सेम है एग्जैक्ट लाइन से। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे खरीद खरीद के रख लेते हैं, और उसके बाद जो है ऐसे एयरबीएनबी पे चढ़ा देते हैं। इन्होंने देखो दो चाबी दी है, एक बाहर मेन गेट की और एक अंदर अपार्टमेंट के गेट की, ये है मेन गेट की, तो नहीं खुल रहा भाई, ये तो कुछ तो पंगा है या तो जाम हो रहा है। तो दीदी तो रात को चली गई थी घर अपने, और अभी नेक्स्ट डे है, मैंने सोचा बाल कटवा लेता हूँ भाई, वैसे तो खैर 5-6 दिन ही रह गए लंदन में, बट ठीक है मैंने कहा वीडियो भी बन जाएगी कि एक्चुअल में लंदन में बाल और ये ट्रिमिंग करवाने के कितने रुपए लगते, ठीक है तो चलते हैं पास में ही है यहाँ से। अभी 10 बजे है भाई सुबह के, होपफुली खाली मिले मुझे वहाँ पे, यहाँ पे तो देखो सुनसान सा पड़ा हुआ है बिल्कुल देख रहे हो, और वैसे भी वीकडे है इतनी ज़्यादा भीड़ होएगी नहीं, सैटरडे संडे को ही आते हैं लोग ज़्यादा ना कटवाने, क्योंकि जब भी उनकी ऑफिस की छुट्टी होती है इस टाइम तो सब लोग ऑफिस में ही होंगे, तो क्या ही भीड़ होएगी वहाँ पे। भाई साहब ये नाई की दुकान तो मॉल के अंदर है, मतलब महंगा ही होगा ऑब्वियसली, रोड साइड कोई मिल नहीं रही आसपास क्योंकि मैं सेंट्रल लंदन में हूँ ना, कोई नहीं अब देखते जितने का भी होगा करवा लेंगे। बट ये चीज़ है कि यहाँ पे जितने भी पैसे लगेंगे उससे 3-4 pounds या 5 pounds सस्ता ही होगा जो बाहर रोड पे मिलेंगे ना, तो इसलिए अंदाज़ा लगा लेना उस हिसाब से। भाई साहब ये तो 50 pounds मांग रहे थे, यानी 5,000 rupees, वो भी खाली कटिंग कटिंग के, और अगर बीएड भी करवाता हूँ तो 20 pounds एक्स्ट्रा, यानी 7,000 rupees में मेरी कटिंग और बीएड होती। मैंने कहा छोड़ो भैया थोड़ी दूरी चल लेते हैं, 15 minutes की वॉक है पर पैसे तो बचेंगे। और ये वाली जो दुकान है ना भाई रेजिडेंशियल एरिया में, तो आई होप सस्ता ही होगा, क्योंकि जितने भी मार्केट होती है या मॉल्स वगैरह होते हैं यहाँ पे ना बहुत महंगी होती है ये चीज़ें, लेकिन जहाँ पे लोग रहते हैं नॉर्मली हर रोज़ या फिर हर हफ्ते आते हैं वहाँ जनरली सस्ती मिलती है आपको ये चीज़ें। ये मिल गया भाई फाइनली, चलो ओपन भी है। भाई साहब यहाँ पे भी वही प्राइस है, इतना ज़्यादा महंगा हेयर कट बताओ, 50 pounds मांग रहे हैं और 26 मांग रहे हैं बियर्ड के, उसमें भी कह रहे हैं अगर लाइनिंग वाइनिंग करवाओगे तो 34 pounds है बियर्ड के, मतलब टोटल 8,000 rupees। मैंने कहा वाह भैया वो मॉल वाले भाई साहब सही थे, तुमसे सस्ता कर रहे हैं, ये रोड पे दुकान है जब भी, रोड नहीं मतलब थोड़ा हटके है मेन सेंटर से समझ रहे हो ना, बट मेरे को लग रहा है भाई ये सेंट्रल लंदन पूरा ही ऐसा महंगा है, दीदी के वहीं पर जो था ना वहीं
करवा लेना चाहिए था, क्योंकि दीदी बता रही थी 15-20 pounds में हो जाता है वहाँ हेयर कट। बढ़िया, तो होके ही नहीं दे रहा, छोड़ो अब, बाकी वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। प्राइस मैंने आपको बताई दिए, इंडिया जाके करवा लूंगा भाई, 2,500 rupees क्यों खर्चने यहाँ पे, है ना। और ये तो 5,000 मांग रहे, जबकि इंडिया जाके भाई मस्त से मस्त सैलून में भी 500-600 rupees में हो जाती है। और जो मैं नॉर्मली करवाता हूँ 80 या 100 rupees लेते हेयर कट के, और 40 rupees लेते बीएड के, बताओ। तो महंगा तो है यार यहाँ पे, नो डाउट। भाई खत्म करते हैं ब्लॉग को, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।